हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आपकी दोस्त नीतू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बम्माज मैजिक। तो फ्रेंड्स, मायके में मेरा ये एक और व्लॉग है जो आप लोगों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं तो बुआ बन गई। तो आज हमारे यहाँ पर छठी पूज रही है। मुझे नहीं पता कि किसी के यहाँ पर कुछ और तरीके से बोलते होंगे या कुछ और होता होगा। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब बच्चा किस डे का हो जाता है ना, तो उसकी ना छठी पूजती है। तो देखिए, छठी पूजने के लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो कि कर रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मम्मी जोर शोर से लगी हुई हैं और मैं यहाँ वीडियो शूट करने में लगी हुई हूँ। और देखिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिससे अभी बनेगा हमारे यहाँ पर हलवा। तो ये बादाम, काजू वगैरह, ये सारे, ये छुआरे, तो ये सारी चीज़ें ना कट होके मम्मी अभी एक बहुत ही मस्त वाला हलवा बनाएंगी देसी घी का। तो ये देखो, ये ना जो हलवा बनेगा हमारे यहाँ पर आज के दिन, ये बनता है गेहूं के आटे से। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना, गुरुद्वारे में जो मिलता है उसी तरीके से, लेकिन उसमें इस तरीके से ढेर सारी मेवा डलेंगी। और ये इसमें आलू बॉयल हो रहे हैं जो कि अभी आलू की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पर ये टमाटर कट हो चुके हैं तो मस्त वाली सब्ज़ी बनेगी। और ये हैं देखिए लड्डू। तो ये देखिए बाबू, तो ये लड्डू हैं अभी। तो आज के दिन हमारे यहाँ लड्डू बटते हैं। तो बेबी हुई है हमारी, बेबी की होने की खुशी में ये लड्डू बटेंगे। ये कोकोनट है जो कि अभी हलवा में डलेगा। तो खूब सारी मेवा का हमारे यहाँ अभी हलवा बनेगा और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं और क्या हो रहा है दिखाती हूँ मैं आप सबको। तो यहाँ पर देखिए, भाई मेरा लेटा हुआ है, हाय तो कर दो। तो लेटा हुआ है और देखो, सब अभी बिखरा हुआ है, लेकिन अभी सब फटाफट से मिलके एनर्जी के साथ सेट कर देंगे। और देखो, ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस ना सो रही है। तो अभी हमारी प्रिंसेस सो रही है, लिटिल प्रिंसेस, जब इसको तैयार करेंगे और फिर हमारे यहाँ छठी पूजेगी। तो सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो चलिए, और ये अभी समोसे, समोसे की पार्टी अभी ख़त्म करी है। तो कितनी गंदी प्लेट कर दी है बच्चों ने खा के। तो चलिए मिलते हैं। अखरोट खाते हुए, तो तुम अखरोट खा लो, बाकी ये सब चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा काला डाला है बस, हाँ, आलू की सब्जी, लहसुन, ये गोंद। मम्मी हमारी पसीने में नहा गई हैं, यहाँ लोग लगे हुए हैं। चलो भैया चलते हैं दूसरा काम करने। तो ये हमारे सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी सब में फल रखे। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। हमारे लड्डू हैं जिन्हें हमारी ताई अभी बांटने जा रही हैं। ताई लो, तो ताई बांटेंगी हमारी अभी लड्डू। तो अभी ताई हमारी बांटेंगी लड्डू। आवाज लगा, आवाज करना। देखिए, अब हो रही है हमारे यहाँ पे छठी की पूजा, यानी कि छठी पूजी जाएगी लाडो की। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी देवरानी, जेठानी, सारी बहुएँ मिलकर इस छठी को पूजेंगी। तो ये सबसे बड़ी भाभी है हमारी, बाकी इनसे छोटी, फिर उनसे छोटी, और ये हमारी सबसे छोटी। तो देखो प्रिंसेस कैसी देख रही है, और बाकी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये छठी की पूजा हो जाएगी, हमारी बाबू की छठी पूज जाएगी। क्योंकि ये छः दिन का जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर छठी पूजी जाती है। तो यहाँ पर सब अपने देवी देवताओं के, अपने पूर्वजों के नाम लेकर पूजा की जाती है। तो वो सब हो रही है। तो चलिए, आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए, आप एंजॉय करिए मेरे इस व्लॉग को।
पूजा हो रही है, ये पूजेंगे अभी थोड़ी पूज रहे हैं। पहले वीडियो बनेगी ताई और का अभी हमें अभी उठा के दी जाएगी नीचे। मम्मी चलो, मम्मी जा रही है देने के लिए। चलो मम्मी हमारी दे तो फ्रेंड्स, छठी पूजने के बाद आप देखें यहाँ पर हो रहा है गठबंधन, क्योंकि ना ये दोनों भाई भाभी दोनों को ना छोटा वाला भाई है ना अब इस कमरे से बाहर निकालेगा, यानी कि ये बोलते हैं घर से बाहर निकालने वाली रस्म, और फिर ये दोनों अंदर तभी आएंगे जब भाई और ये दोनों मिलके छोटे वाले भाई को शगन देंगे। तो चलिए अब ये वाली रस्म होती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के यहाँ इस तरीके की रस्म होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही होती है। तो आप देखें यहाँ पर सब अपने अपने एडवाइस दे रहे हैं, नहीं ये पल्ला इधर आएगा, ये इधर से बंधेगा, उधर से बंधेगा, तो सब लोग बताने में लगे हुए हैं और मुझे बता रहे हैं कि नहीं इधर इसमें इधर से इधर वाले कोने को लोते हैं साड़ी के, इधर वाले कोने को लेते हैं या चुन्नी के, जो भी है बस इसी तरीके से सब अपनी अपनी एडवाइस देने में लगे हुए हैं। तो अब इन दोनों को ना छोटा वाला भाई है ना मेरा, वो बाहर निकालेगा और उसके बाद इनको मिलेंगे पैसे, अपना सपना मनी मनी। चलो मैं दोनों लोग नोट तो दिखा दो अपने, नोट दिखा कितने नोट मिले, ये जल्दी ये मिल गए, एक एक हजार दोनों को, चलो भैया ले आए अंदर ले आए, ये चलो भैया प्रिंसेस सामने देखो, ये देखो सामने देखो, अरे वाह आज फादर्स डे है भैया, हैप्पी फादर्स डे कह दो लाडो तुम, पहली बार पापा बन गए। ये चलो ये वाह भैया ये देखो, सोच रहे थे यहाँ रुक जा जा नहीं वो बांध पैसे भी तो सब बांध देते हैं, दिखाओ दिखाओ हाँ नहीं बहुत मुलायम है ताई, ये चलो चलो तुम भी खड़े चलो पारी करो, अरे भाई बाबू को पारी करो, इधर देखो इधर देखो सामने देखो, चलो पारी करो इधर देखो इधर 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 आ जाओ, इधर इधर हो जाओ, इधर हाँ इधर दो इधर आ जाओ, बस 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 ऐसे चलो चलो इधर देखो, अरे पानी कर लो, चलो जल्दी जल्दी चलो, हाँ बस चलो चलो खाओ खाना जल्दी जल्दी, देखिए ये खाना खाती हुई कौन है मेरे पीछे, देखिए पूरी पकवान आइए खाइए और फिर हमें बताइए कैसा है। तो इसके बाद होने वाली है पढ़ाई लिखाई। तो देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि छठी के दिन ना बच्चे के हाथ में कॉपी किताब देनी चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको सरस्वती माँ अपनी इतनी कृपा बनाए रखें कि ये बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छे से आगे बढ़े और अपने भविष्य में वो सारी तरक्की हासिल करे जो जो कि वो चाहती है। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ये कॉपी किताब दे दी है, अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ लिखवाएंगे, छोटी दादा दादी का नाम रोशन करूंगी, उठगी करूंगी,
बुआ से ज्यादा पढ़ूंगी। अब इसके बाद देखिए बेटू बना रहे हैं व्लॉग, यानी कि वीडियो शूट कर रहे हैं। बताओ ये नन्हे मुन्ने भी अब वीडियो शूट करने लगे। दीदी हाय करो, हाय हाय। तब ब्लॉगर बनाओगे है ना, तब ब्लॉगर बनोगे, वीडियो बना करोगे, सब सब डायरेक्टर बनोगे। नहीं मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना पे बलून ने ना पे और इसमें बलून ने बलून ना पे दीदी बैठे हैं और बन रही है ना ना पे इधर खपे चुग रहे हैं ना पे स्कूल ना पे ना पे मम्मा जा रही है ना पे। इसी के साथ अब देखिए अब लगेगा यहाँ पर काजल, तो काजल लगने की रस्म भी आज के दिन ही होती है। तो पहली बार बच्चे को काजल हमारे यहाँ छठी के दिन ही लगाया जाता है। तो अब मैंने देखिए ये मतलब दीपक की मदद से ना यहाँ पर काजल को पार दिया है। तो हमारे यहाँ पर ये बेले में यानी कि एक पीतल का बर्तन होता है उसमें ही ये काजल पारा जाता है। और उसके बाद देखिए मैंने अपनी लाडो को लगा दिया है काजल, तो हमें नेक मिलेगा इसका। तो ये जो काजल की रस्म थी वो भी पूरी हो गई है, साथ ही बेटू के भी आज काजल लगा दिया जाएगा। हमारी देखो मम्मी परी के लग गया है काजल और बिल्कुल भी नहीं रोई है। सब लोग बोल रहे हैं कि अरे बड़े आराम से काजल लगवा दिया है, तो मेरी लाडो नहीं रोई। तो बस फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाबू आओ इधर, गाना ग्रीन ग्रीन और दादी नानी भी ग्रीन। मम्मी का देखो उत्तर, देखो इधर उत्तर, देखो इधर उधर, देखो उत्तर, देखो सामने दिखाओ है।